सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ वर्ड है, उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बगल में एक घंटे का साइन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दें और इसे इनेबल कर दें। ऐसा करने से होगा कि नया वीडियो जैसे ही मैं पोस्ट करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। और घबराइए नहीं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। ओके फ्रेंड, मैंने प्ले स्टोर से एक ऐसा ऐप को खोज निकाला है जो कि काफ़ी कमाल का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है और इसके बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उस एप्लीकेशन के बारे में। आपको चले जाना है प्ले स्टोर में और वहाँ पे जाके आपको सर्च करना है स्क्रीन गार्ड, आपको प्राइवेसी स्क्रीन गार्ड लिखना है और इसे सर्च करना है। ये देखिए, कोई गार्ड वार्ड नहीं है, कोई लॉक वॉक के बारे में नहीं बता रहा हूँ, इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं मैं बता देता हूँ आपको। तो इसे आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा इसमें काम है और इसके क्या फ़ायदे हैं पूरा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इसका स्क्रीन खुल जाएगा। ये इससे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं आप अपने स्क्रीन को और इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप YouTube पे कोई वीडियो देख रहे हो या आपका कोई पर्सनल डाटा है उसे आप देख रहे हैं और आपके बगल में कोई बैठा हुआ है, तो आपका स्क्रीन अगर बहुत बड़ा रहेगा तो उस पर कोई भी देख सकता है आसानी से, लेकिन अगर आप उसे छोटा कर लीजिएगा तो फिर उसे कोई नहीं देख पाएगा। तो चलिए मैं एक कुछ लेकर दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर मान के चलिए कि मैं YouTube पे ही चला जाता हूँ और कुछ ओपन करता हूँ, अब यहाँ पे देखिए ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खुल के आ रहा है YouTube में। तो किसी को देखना हो एकदम, मतलब एग्जैक्ट आपको देखना हो, अगल बगल में बैठा हुआ आदमी उसे ना देख पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को तो आपने इंस्टॉल कर ही लिया है, ऊपर में देखिए एक थ्री डॉट की तरह थ्री लाइन आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ऊपर में एक थ्री लाइन जो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से इसका पूरा सेटिंग खुल जाएगा। अब आपको ऊपर में ब्राइटनेस लिखा हुआ है तो सबसे पहले ब्राइटनेस पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको, और ब्राइटनेस पे क्लिक करने के बाद इसे ना कम कर देना है। ऐसा कम कीजिएगा तो अगल बगल का जो भी जो स्क्रीन है वो काला हो जाएगा। पूरा कम कर दीजिएगा तो पूरा काला हो जाएगा, थोड़ा कम कीजिएगा तो थोड़ा काला होगा, देख सकते हैं ऐसा। तो मैंने पूरा कर दिया। करने के बाद आपको जिस भाग को देखना हो उसे आप देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जितना पार्ट को देखना है उसे आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं और आप अपने इम्पोर्टेंट चीज़ को बचा सकते हैं किसी और को देखने से, अगर आपके अगल बगल में कोई बैठा हुआ है। तो मैं यूट्यूब चला रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोज़ हैं मेरे पास, तो मैं इसे इम्पोर्टेंट के रूप में अकेले देख सकता हूँ और अगल बगल में कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि मैं अपने हाथों से दोनों मोबाइल को पकड़ लूँगा तो अगल बगल में तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि स्क्रीन इसका हो गया है छोटा। और साथ साथ इसमें और भी सेटिंग है और वो आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन गोल भी हो जाता है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ चेंज विंडो शेप पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए ये स्क्रीन गोल हो चुका है, तो आप ऐसे में भी चला सकते हैं वीडियोज़, वीडियो चलाइए, फेसबुक चलाइए, आपका इम्पोर्टेंट डाटा हो उसे चलाइए, जो करना है कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बहुत ही आसानी से चलेगा और बहुत ही सिंपल सा इसका इंटरफेस है, कोई मेहनत नहीं है और एप्लीकेशन बहुत कम साइज़ का है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों एक गजब कमाल का एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पर मुझे मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव या शिकायत हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मोबाइल कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी लेकर मैं रोज़ाना इस चैनल पर आते रहता हूँ जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं और काफ़ी कमाल के होते हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।